अगला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आई नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। कुंडा थाना पुलिस ने नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा ने पास की नेट और जेआरएफ की परीक्षा। काशीपुर में निकलने जा रही श्री राम की भव्य ध्वज यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक वाली ने केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। घर में घुसकर हमला करने वाले अभियुक्तों की पुलिस कर रही तलाश। विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। काशीपुर में लगातार बढ़ती जा रही है गुलदार की समस्या। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की रोकथाम हेतु अभियान में कुंडा थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू भी बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। राधेहरी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पीएचडी कर रही छात्रा रिया गोला ने नेट और जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें रिया ने 222वीं रैंक हासिल की है। आपको बता दें कि महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह एवं विभाग अध्यक्ष के मार्गदर्शन में रिया ने परीक्षा में सफलता पाई है। काशीपुर में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के तीसरे वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर धर्म यात्रा महासंघ की काशीपुर शाखा द्वारा विभिन्न धार्मिक संगठनों के सहयोग से आगामी 5 अगस्त को नगर में एक भव्य ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। धर्म यात्रा महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री के अग्रवाल ने बताया कि ध्वज यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस ध्वज यात्रा के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक वाली हैं। काशीपुर में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने हेतु सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्र सरकार ने आर्थिक स्वीकृति देकर काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी और केंद्र सरकार का वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गूंज के अंडर पास होने से शहर की जनता को न सिर्फ जल भराव से मुक्ति मिलेगी बल्कि बनने वाली सड़क से शहर के लिए एक अच्छा मिनी बाईपास मिल सकेगा। प्रतापपुर निवासी एक व्यक्ति पर बीती रात दो लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। आपको बता दें कि पीड़ित का उनसे पहले भी विवाद हो चुका है। दोनों ही आरोपियों ने पीड़ित के साथ हाथापाई की, जिसमें धारदार हथियार से वार कर दोनों मौके से फरार हो गए। इसी बीच उनमें से एक का मोबाइल फोन वहीं छूट गया। प्रतापपुर चौकी पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा कहा गया कि हर साल मेवाल के अंदर भगवान शंकर का दर्शन करने हजारों लोग जाते हैं। इसी क्रम में 20-25 हजार लोग यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा उन पर गोलियां और पत्थर बरसाए गए। वहीं धार्मिक यात्रा पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। काशीपुर के द्रोणा सागर और चैती के मैदान में अक्सर गुलदार को देखा गया है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के मुताबिक गुलदार को रोजाना खुलेआम घूमता देखा जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों ने प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की है।
अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागिला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।